आप गैस करिए अभी हम कहाँ पे हैं, करिए गैस। तो मैं आपको बता दूँ अभी हम दिल्ली में और ये अचानक कैसे हरिद्वार इसी कैसे सीधा दिल्ली में। तो अभी हम मेट्रो पकड़ रहे हैं, बहुत लेट हो चुकी है हमेशा की तरह, टाइम हो गया है 12:15। हमने जाने का सोचा है रेड फोर्ट, लाल किला। हाँ आपको ध्यान हो मैंने दिल्ली वाले ब्लॉग्स में कहा था कि दिल्ली की एक दो जगह छूट गई हूँ, उन्हें आगे आगे कवर करूँगा। कहा था ना कि अधूरा हमारा छूटा था उसे कंप्लीट करेंगे, तो आज बस वही डे है, आज हम उसे कंप्लीट करने आए हैं। थोड़ी देर पहले ही मैंने हरिद्वार सीरीज का फर्स्ट ब्लॉग रिलीज किया है, बोलो दिल्ली में आके हरिद्वार का फर्स्ट ब्लॉग रिलीज किया। टोकन का मैंने, हाँ टोकन सही जगह रखा है, तो जस्ट अभी रिलीज़ किया है, अपलोड किया है। अब आज से रोज़ ब्लॉग आना शुरू, जब तक आप ये ब्लॉग देखोगे तब तक तो मैं अपने घर पे होऊंगा, रूम में बैठा होऊंगा, तो तब तक तो मैं वहाँ होऊंगा। और आज हमने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, पोहा, बहुत ही खतरनाक पोहे जो हमारे मुरैना का था, एक बंदा उसी के यहाँ पे हमने खाए थे, 30 रुपये की फुल प्लेट थी, उसमें फुल हो गए, फुल फुल है। खुला पूरी खड़ी करके जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था मेट्रो में। अब हम चांदनी चौक उतरे हैं, पहले चांदनी चौक चले, दोनों सामने सामने लाल किला और चांदनी चौक। अच्छा टोकन निकाल, टोकन, हाँ टोकन बहुत इम्पोर्टेंट है, जो लोग मेट्रो में ट्रेवल करते हैं उन्हें तो पता ही होगा, जो लोग नहीं करते हैं उन्हें मैं बता दूं टोकन नहीं होगा। तो वो जो आपको मशीन दिख रही है जिसे हम एक यंत्र कहेंगे, आवक जावक यंत्र, वो नहीं ओपन होगा। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ टोकन का यूज़ कैसे करते हैं। देखिए ये जो गेट्स हैं ना, ये जो लगे हुए हैं वो टोकन से ही खुलेंगे। एग्जिट वाला उसमें डालना था और जब एंट्री करते तब उसे स्कैन करते हैं। बात करें कल मैंने पूरे दिन भर ब्लॉग नहीं किया था, जो हम हरिद्वार से यहाँ पे आए थे, हम 12 बजे एक बस में बैठे थे यहाँ आने के लिए, क्योंकि ट्रेन के टिकट बुक्ड हो चुके थे। तो हम 12 बजे बैठे और यहाँ पे 8 बजे आए, मतलब 4-5 घंटों में आ जाते हैं वहाँ से यहाँ पे, बट इतना ट्रैफिक मिला हमें रास्ते में, हमें 8 घंटे लग गए। तो कल मैंने बिल्कुल ही ब्लॉग नहीं किया, बस में पूरा टाइम निकल गया था, हमने सोचा रात को यहाँ पे घूम लेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हो पाया। रात को मैं भी जल्दी सो गया, नाइट कर्फ्यू भी है, हाँ और यहाँ पर नाइट कर्फ्यू भी है, कितने बजे से 10 से 11 से 10 बजे से। अभी हम चांदनी चौक मार्केट के अंदर ही है, तक तो चारों तरफ खाने पीने की चीज़ें ही हैं। ये जो इस चीज़ के लिए आना जाता है वो बोरा रेड फूड, जूम करता हूँ मैं आपके लिए, थोड़ा थोड़ा ही दिख रहा है अभी तो, वो रही थोड़ी थोड़ी दुकान दिखी अभी। अभी तक क्या हो रहा था यहाँ पे, सब फीमेल्स दुकान थी उस तरफ, जो अभी मैंने आपको सीन दिखाया था तब फीमेल्स के आइटम थे, अब थोड़ा थोड़ा यहाँ पे दिखना शुरू हुआ है। वो बहुत मिलता है, क्या मिलती है, सप्लीमेंट स्टोर, अब एक प्रोटीन लवर, प्रोटीन फेक भी तो हो सकते हैं थोड़े बहुत, तभी तो फेक हो सकते हैं खाने, खासकर सप्लीमेंट ऐसी चीज़ है उसे तो आप ऑथेंटिक ही लें, एकदम अच्छी जानकारी के साथ, कभी पहनना नहीं है वो अपनी बॉडी के अंदर जाएगा तो क्या रिएक्ट करेगा अपन को पता नहीं रहता है। उस तरफ है अपना लाल किला, हम इस साइड से आए हैं और सुबह से कुछ पानी वगैरह कुछ पिया नहीं था, अभी लेट जगे थे तो जल्दी जल्दी तैयार होके आए, तो अब हमने सोचा थोड़ा यहाँ पर शिकंजी पीते हैं। स्पॉन्सर देखो इनके, वो ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, इन्हें पता भी नहीं होगा कि ये चीज़ का ऐड कर रहे हैं, कौन शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। ये रही वो मार्केट जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा था, सस्ती और अच्छी चीज़ है, यहाँ से इंडिया में बहुत सारे दुकान वालों के पास मैक्सिमम सामान यहीं से आता है, जो यहाँ पे मैक्सिमम फर्स्ट कॉपीज़ मिलती हैं और फर्स्ट कॉपीज़ अच्छी होती हैं, आप डेली यूज़ में पहन सकते हो अच्छी तरीके से। तो मोस्टली जो फर्स्ट कॉपीज़ होती हैं आप देख सकते हो, नायक वगैरह के जितनी ब्रांड हैं वो सब यहीं से जाते हैं इंडिया में और दुकानों पर।
घूमते घूमते यहाँ पे जामा मस्जिद के सामने आ गए हैं। अभी हम लेट बहुत हो गए, नहीं तो इसके अंदर जाते। तो ये हम आ गए एयरपोर्ट फुट के यहाँ पे, यहाँ से इसकी एंट्री है। बट अभी अभी हमें ये भैया ने बताया कि एयरपोर्ट आज बंद है। तो लो इसको यहीं से ही बाय बाय टाटा बोलते हुए चलते हैं। तो अभी हमने एक जगह और बात करी, उसमें ये पता पड़ा कि मंडे को बंद ही रहता है। Hours later. धातु वर्कआउट खत्म करने के बाद में अब हम यहाँ पे आगे चाय पी रहे हैं। हमारे देव भाई, आपने पहले ब्लॉगों में देखे होंगे, ब्लॉग्स में, तो आप कुछ कहना चाहते हो? बस भाई दवे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो और ज्यादा से ज्यादा प्यार दो। भाई के ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाओ। इंस्टा पे होता है, यूट्यूब पे नहीं होता। देव का इस देव से कुछ सवाल जवाब होना है। यूट्यूब पे सब्सक्राइब होता है, फॉलो कहाँ होता है? हाँ वो फॉलो क्या है कि देखो, फॉलो का मतलब ये होता है उसको
दैनिक दिनचर्या में उसको आप देखना, ये आईएसगिरी मत झाड़े यहां पे, मतलब जो नॉर्मल बात करते, ऐसे बात कर, नॉर्मल बात करते वैसे नहीं, नॉर्मली यही है ना, फॉलो फॉलो करने का मतलब है। वो वाली भाई बताओ, जब इसने वेट बढ़ाने के लिए YouTube पे वीडियो देखी थी, उसने क्या हां एक बार क्या हुआ, देव अपने बॉडी पे वेट बढ़ाने के लिए उसने एक वीडियो देखी, तो उस वीडियो की जो पहली लाइन थी वो देव को बहुत हिट कर गई। क्या थी देव वो पहली लाइन? अभी आप भी एक कुपोषण का शिकार, देखिए इस वीडियो को। तो देव ने वीडियो वही बंद कर दी, उसके बाद हमने वीडियो देखना बंद कर दिया। साथ में आज का व्लॉग यही खत्म होता है, मिलेंगे अब आपसे एक और नई ट्रिप पे।